सेहत के लिए करामाती है सांप जैसी दिखने वाली यह सब्जी। डायबिटीज बीपी से दिलाएगी छुटकारा, किडनी करेगी साफ। नमस्कार दोस्तों, कुक विद पैशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं स्नेक गॉड की सब्जी यानी चिचड़े की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिचड़े की सब्जी के लिए यहाँ पे यह देखिए मैंने चिचड़ा ले लिया है, यह कुछ इस तरह का होता है और अब हम इसे छोटे आकार में काट लेंगे। यह देखिए कुछ इस तरह से। अब इन टुकड़ों के हम चार चार टुकड़े कर लेते हैं और फिर इन्हें भी और भी छोटे छोटे आकार में काट लेते हैं। आकार आप छोटा रखेंगे तो सब्जी जल्दी और आसानी से पक जाएगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों, इस सब्जी में मैं डालने वाली हूँ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिससे ये सब्जी का स्वाद दुगना से तिगुना तक हो जाता है। तो वीडियो देखते रहिएगा, आपको वह इंग्रेडिएंट जरूर मिल जाएगा। तो यह सब्जी कटकर हो गई है तैयार। तो अब हम एक पैन करते हैं गर्म। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे तेल। यहाँ पर हमने एक बड़े चम्मच तेल डाल लिए हैं, इसे चारों तरफ फैला लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा और यहाँ पे स्वाद अनुसार हरी मिर्च, और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन की कलियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये वही है जिससे इसका स्वाद दुगना से तिगुना होने वाला है। यहाँ पर लहसुन की कलियाँ आप ठीक से मिलाइएगा। यहाँ पे मैंने 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ली थी और उसे छोटे छोटे आकार में काट लिए थे। आप काटिएगा, कूटिएगा मत, क्योंकि अगर आप कूटेंगे तो यह जल्दी जल जाएंगे, इसलिए लहसुन की कलियों को काट ही लीजिएगा। और जब यह ब्राउन हो जाएंगे ना तो इसके बाद हम इसमें मिला देंगे सब्जियाँ। इससे क्या होगा कि पूरे टाइम जो लहसुन है वो अपना स्वाद छोड़ता रहेगा और इस सब्जी का स्वाद हो जाता है दुगना। यकीन मानिए, आप इस एक बार इस तरीके से बनाइएगा और आप देखिएगा कि आपके घर में हर कोई इस सब्जी को पसंद करेगा। इतने फायदेमंद ये सब्जी है तो भाई इसे बनाइए भी कुछ खास तरीके से। तो इसे हमने ढक दिया है और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए हम पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और सब्जी हमारी लगभग पक चुकी है। तो अब हम मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक आप पहले मत मिलाइएगा। और इसी के साथ हम मिला देंगे काली मिर्च। यहाँ पे काली मिर्च हमने आधा टेबल स्पून लिया है और अब इसे हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। तो यह 1 मिनट हो गया है और सब्जी यहाँ पर बनकर हो गई है तैयार। देखिए कितनी आसानी से और इतनी टेस्टी सब्जी ना कि मैं बताऊँ, आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में। और मेरे दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।